स्वागत है दोस्तों आपका टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। ये आज हमारा हमारी जो इलेक्ट्रिकल की सीरीज चल रही है उसमें नेटवर्क का पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। और नेटवर्क का आज लेक्चर 18 आया है, ठीक है। ये लेक्चर 18 है, इसमें मैं एसी वाला जो पार्ट कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले के जो भी आ चुके हैं बेसिक्स, केसीएल, केवीएल, नेटवर्क का थ्योरम हुआ, थ्योरम पे जितने भी थे, ठीक है, एसी के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें प्री एसएससी प्री के लिए और आरआरबी जीई के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला। इवन दो एसएससी मेंस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए भी सॉल्व मैंने करके बहुत करा है। तो इन सब की लिंक एक डिस्क्रिप्शन, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो आप प्लेलिस्ट खोलिए और वीडियो आप देखिए, जो भी डाउट्स हो मुझे बताइए और कमेंट्स करिए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एसी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एसी में मैंने क्या कर दिया था, एसी मैंने सीरीज आरएल आरएलसी ये सब पढ़ा दिया था, है ना। इंडिविजुअली आरएल आरएलसी सब पढ़ाया था, फिर इनका कॉम्बिनेशन सीरीज का और है ना कैपेसिटी, इन सबका सीरीज वाला कॉम्बिनेशन और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो अब बात आएगी कहाँ पर, अब बात आएगी अपन आगे इनके क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस लगाने के बाद इसके बाद मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, रेजोनेंस पढ़ाऊंगा और उसके बाद अपना नेटवर्क में बस कुछ नहीं रह जाएगा खास, ठीक है। और लास्ट एक वीडियो आएगा जिसमें आपको बहुत सारे भरपूर क्वेश्चन मैं दूंगा, उसमें अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बेसिक टर्म, तमाम तरीके से बेसिक जितना भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है मैं वो सब डालूंगा और आप उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले इधर से, पहले ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट एंड इट्स नेचर, ठीक है। ये सर्किट दे रखा है, इसका पावर फैक्टर निकालना है और इसका नेचर बताना है, ठीक है दोस्तों। अब उससे पहले मैं क्या बताता हूँ, पावर फैक्टर है ना, ये सीरीज आरएल वाला सर्किट है, सीरीज आरएल वाला सर्किट है ना ये दोस्तों, जी बिल्कुल। सीरीज आरएल वाले सर्किट में क्या होता है, सीरीज आरएल वाला सर्किट इसका जो ग्राफ बनता था वो ऐसा बनता था कुछ, ये एक्सएल और जेड यही होता था, ठीक है। ये इसलिए फेजर आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि विद इन अ फेजर, फेजर सेकंड्स में याद आएगा, सेकंड्स में याद आने के बाद फॉर्मूला हो जाएगा यार, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर किसका होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब आर बटा जेड, ठीक है। जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। एक्सएल कैसे निकलेगा, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू कितना है, 2πfL, एफ फ्रीक्वेंसी दिया है क्या 100 वोल्ट, एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज, है ना। एक्सएल दिया है, डायरेक्ट ही दिया है, चलो ये भी बढ़िया, 6 ओम, एक्स इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो 3 और 5 आठ, आठ का स्क्वायर 64 प्लस एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 10 ओम, जेड इक्वल टू 10 ओम हो गया दोस्तों, हाँ ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू आर बाय जेड, और आर का वैल्यू कितना हो गया 8 और जेड का वैल्यू कितना हो गया 10 इक्वल टू 0.8 पावर फैक्टर, ठीक है जी बिल्कुल। कॉस थीटा का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, है ना, पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरा जो करंट वाला एंगल है वो कैसा बन रहा है, करंट वाला एंगल जो वोल्टेज से, वोल्टेज और करंट का जो एंगल रहेगा वो उसमें डिफाइन करना है अपन को पावर फैक्टर। मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ एक बार, यहाँ जैसे कि ये वोल्टेज है, ये एक आई करंट है, ये आई करंट है, ठीक है दोस्तों। ये करंट थीटा, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, ये ऑफ कोर्स नेगेटिव है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, और ये ऑलवेज लैगिंग, ये भी याद रखेंगे। थीटा टू इज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज और ये लीडिंग, लीडिंग पीएफ ऑपरेशन है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इधर जैसे कि अगर आई बोला तो ये हो जाएगा वी बाय जेड, जेड एंगल ऑफ थीटा, थीटा थीटा इज पॉजिटिव मतलब जेड अगर आर प्लस जे एक्सएल माना जाए, जो कि इस केस में है, जो कि इस केस में है, इसलिए इसका जेड एंगल थीटा पॉजिटिव ही निकलेगा। आरएल सीरीज सर्किट में जेड एंगल थीटा यही निकलेगा ना, थीटा पॉजिटिव रहेगा, ये थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, थीटा नेगेटिव हो जाएगा, थीटा नेगेटिव हो जाएगा, जो भी आएगा। ये वी बाय जेड को सॉल्व करने के बाद आई स्मॉल आई लिख देता हूं, ये एंगल माइनस थीटा आएगा, ये माइनस थीटा क्या बताएगा, क्लॉकवाइज और एंगल नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। ये आप थोड़ी सी चीज मैं ध्यान रखेंगे, ओके। हाँ अब इसमें क्या बता है, ये तो मैंने बता दिया आपको, कॉस थीटा पॉजिटिव, इसका थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कॉस इनवर्स 0.8, दो चीजों का वैल्यू आप याद रखे जाएंगे, एक इसका और एक थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.6, ये हमको मशीन में भी इसका वैल्यूएशन
होगा, ठीक है। मशीन में भी इनका बहुत जरूरी काम होता है, मशीन और पावर सिस्टम वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका थीटा निकाल सकते हैं और इस तरीके से आप इसका पावर फैक्टर निकाल के बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे का क्वेश्चन ये है कि पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाय, ठीक है दोस्तों। इसमें समझ में आ रहा है कि आरएलसी है, आरएल है, ये कैपिटल है, सीरीज है या पैरेलल है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, पर आप इसमें देखेंगे तो ये एक्सेल दे रखा है, यहाँ भी एक एक्सेल दे रखा है। इसका मतलब आर और जेड, जेड वाला फिनोमेना किसमें आएगा? एक सीरीज वाले में ही आ सकता है। पैरेलल में तो वाई आएगा ना, वाई जी बीटा एल, वाई जी और ये बीटा एल है, ये पैरेलल वाली टर्मिनोलॉजी है। अगर सीरीज वाली क्या टर्मिनोलॉजी? जेड एक्स और यार ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो इस चीज से आप समझा सकते हैं कि ये सीरीज वाला सर्किटरी रहेगा, ठीक है। अब सीरीज में क्या है? एक्सएल है, मतलब एक सीरीज में एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर होता तो अलग बात हो जाती ना, यही हाँ। इसका पावर फैक्टर क्या है? ये लिख रखा साइड में आर बाय जेड। इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, If a 10 microfarad capacitor is connected to a voltage source with a VT equals to this this and then the current is, then the current through the capacitor is, करंट कैपेसिटर के थ्रू निकालना है, सिंपल है। I इक्वल्स टू, अपन को मालूम क्या है, I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी होता है, यही होता है ना। C का वैल्यू कितना है? 10 माइक्रोफैराड, 10 इंटू 10 माइनस 6, ठीक है। डी बाई डी टी 15 साइन 2000 टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ 15 साइन 2000 टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10 ओवर 10 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 50 इंटू 2000 इंटू कॉस 2000 टी, यही रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई गड़बड़ है क्या? यही रहने वाला है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कॉस और इसका इंटरटर्न, ये 2000 कितना? 1 2 3 4 5, तो इससे 10 पावर 5 तो कैंसिल, 5 और 2 10, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो आखिर में बचेगा क्या? कॉस 2000 टी, ठीक है दोस्तों। आंसर जैसे आएगा वैसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 2014 में पूछा गया था, जो यहाँ मेंशन है ये भी 2014 में पूछा गया था, ये 2014 पूछा गया था। कौन सा 2014? एसएससी का प्री में, एसएससी का प्री में, ठीक है। आरआरबी जी में इससे भी लो लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, इतना घबराने की बात नहीं है, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये रही बात इन सब चीजों की, इसके बाद आगे की कहानी। क्वेश्चन ऐसा है, a series circuit takes 8 ampere at 100 volt, a series circuit, ये series लिख दिया मैंने, mention कर दिया series circuit, ठीक है, lag by current lag by 30 degree, lag हो गया मतलब कौन सा circuit है? ये inductive है, behind अप्लाइड वोल्टेज, जी बिल्कुल यही होगा, 30 डिग्री लैग कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज, ये वोल्टेज है, इससे 30 डिग्री लैग करा के करंट दिखा दो, ये 30 डिग्री का मान, ठीक है दोस्तों। ये लैगिंग हो गया, जी बिल्कुल हो गया। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है? जेड का मान, आर का मान, एक्स का मान, एल का मान, वेयर फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज का, ठीक है दोस्तों। इतना है ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे आप ध्यान? हाँ, पहले अपन को क्या फाइंड करना है? Z, Z के लिए क्या हो जाएगा? V by I, V by I के लिए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। V का वैल्यू कितना है? नहीं दे रखा। I का वैल्यू कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, ये रहा 100 by 8, है ना, इससे कर सकते हैं अपन, 100 by 8 से कर सकते हैं ना Z, तो इससे आ जाएगा 4 25 42, ये 12.5 ओम Z आएगा सिंप्लीफाइड, ओके, ठीक है दोस्तों। अगला, R का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू के लिए क्या है? कुछ दे रखा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि कुछ दे रखा है। R, XL और Z में कुछ रिलेशन है, थीटा है, ठीक है। तो इस रिलेशन से अपन कुछ फाइंड कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। cos थीटा होता तो कितना लिखता मैं? R by Z लिख देता, ये लिख सकता था क्या मैं? ठीक है, Z मेरे पास है, ठीक है, और थीटा है मेरे पास, तो निकल जाएगा R equals to Z cos थीटा, यही बोलूंगा, जी बिल्कुल। Z का वैल्यू कितना है? 12.5 cos थीटा, मतलब cos of 30, ये लिखूंगा ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? इसको सॉल्व हो जाएगा ये
इसका वैल्यू रहेगा 10.825। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने लिए सिंप्लीफाइड आर, है ना। अब क्या फाइंड करना है, एक्स, एक्स मतलब एक्सएल फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, रिएक्टेंस फाइंड करना है ना। ठीक है, तो अब कुछ और रिलेशन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्सएल बाय आर, जिसमें आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो हो जाएगा एक्सएल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर ऑफ टैन थीटा। जी बिल्कुल, आर का वैल्यू कितना है, आर का मान दे रखा है क्या जी, आर का ऐसा कुछ मान नहीं दिया है ना। एक्सेल, एक्सेल में कुछ दिया है क्या, आर का निकला ना वैल्यू, आर का वैल्यू निकला है ना 10.825। ठीक है दोस्तों, इनटू 10 ऑफ 30 डिग्री, इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 30 इक्वल्स टू इनटू 10.825। ठीक है दोस्तों, तो इसका वैल्यूएशन आ जाएगा 6.25। एक्सेल ये ओम्स में, ये भी ओम में। ठीक है, R हो गया, Z हो गया, R हो गया, X हो गया, L, L का वैल्यू कैसे होगा, इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा, तो ओमेगा L लिख दूंगा इसको 6.25, ये लिखूंगा ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 6.25, ओमेगा को वो ओमेगा 50 हर्ट्ज के लिए कितना होगा 314 ही होगा ना, तो 6.25 डिवाइड बाय 314, तो ये हो जाएगा 0.19 के अप्रॉक्स। ठीक है दोस्तों, 0.19 के अप्रॉक्स, मतलब 0.2 ये हो जाएगा हेनरी, ये होगा ना। तो ये सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें डाटा आपको ये थोड़ा और शॉर्ट कर देंगे, बहुत इजी फिजिबल मैनिपुलेट करें, जो आसानी से हो जाए कैलकुलेट, वो वाला डाटा इसमें डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सीरीज सर्किट सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 300 ओम नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर विद 7.95 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है और 2.06 हेनरी का इंडक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये डाटा सीरीज आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन है ये। जी बिल्कुल, अब इफ द सप्लाई वोल्टेज is 250 वोल्ट, ठीक है 250 वोल्ट का सप्लाई है एट 50 हर्ट्ज पर। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, सर्किट करंट ये कैलकुलेट करना है, बी क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज ड्रॉप और लास्ट क्या कैलकुलेट करना है, फेज एंगल। ठीक है दोस्तों, कितना कैलकुलेशन करना है अपन को। अब आगे, हाँ डाटा क्या क्या दिया है, आर इक्वल्स टू कितना दिया है 300 ओम। जी बिल्कुल, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है 7.95 इंटू 10^-6 का फराड। ठीक है, एल का वैल्यू दिया है 2.06 का एन रही। ठीक है, करंट फाइंड करने के लिए वी बाय जेड करते हैं, जेड निकाला क्या, जेड नहीं है अपन को मालूम, जेड के लिए क्या फॉर्मूला होगा सीरीज आरएलसी सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट इधर बना देता हूं, ये आर हुआ, ये एल हुआ और ये सी हुआ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ऐसे बना दिया है, ये आर, ये एक्स एल और ये एक्स सी, ये होगा एक्सएल, एक्स सी को मान मालूम है क्या, नहीं मालूम, इधर कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू कितना 314 इंटू एल का वैल्यू कितना है 2.06, इससे क्या निकल जाएगा एक्सएल का वैल्यू, अभी कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स का वैल्यू कितना होगा 1/ωc, ओमेगा वैल्यू 314, सी का वैल्यू कितना 7.95 इंटू 10^6, ऊपर चले जाएगा 10^6 ऊपर चले जाएगा ना। जी बिल्कुल, कैलकुलेट करेंगे तो इसको अपन को सॉल्यूशन आएगा
314 इंटू 2.06 ये हो जाएगा 646.84, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मिली हैंडल तो नहीं था। ये हो जाएगा 400.6। ठीक है दोस्तों, ये एक एक्सेल आ गया और ये एक सी आ गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का स्क्वायर। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक्सेल और एक्सी का वैल्यू दे रखा है 646 में से, जो हो जाएगा आर का वैल्यू और रूट ओवर। ठीक है, इन अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, आर का वैल्यू कितना 300 का स्क्वायर प्लस 646.84 माइनस 400.6, इसका होल स्क्वायर निकालूंगा तब जाके मेरा वैल्यू आएगा 388.12, ये जेड का वैल्यू निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकता हूं ना मैं, अब जेड ही निकला है ना, अब करंट निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 250 अपॉन Z का वैल्यू कितना 388.12, तो करिए अब आप इसके आगे, ये हो जाएगा 0.64412, ये क्या है इसका करंट का वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये आप चीज थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। अब आगे सर्किट करंट हो गया, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। जी बिल्कुल, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, सीरीज में करंट सेम होता है ना। ठीक है, तो अब वी आर निकालने के लिए करेंगे आई इंटू आर, ये कर सकते हैं आप, आई का वैल्यू दे रखा है, ये रहा आर का वैल्यू इंटू 300। जी बिल्कुल, वी वी एल इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आई इंटू एक्सएल कर देंगे। जी बिल्कुल, आई का मान ये रहा, एक्सएल का मान कितना था इंटू 646 पॉइंट समथिंग समथिंग था। हाँ, वी सी, वी सी इक्वल्स टू आई इंटू एक्सी होगा, आई इंटू एक्सी होगा, क्या होगा इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो यही होता है, जे ओमेगा सी वी। ठीक है, मतलब क्या होगा, वी इक्वल्स टू आई बाय एक्सी, यही होगा ना, ये होगा ना, तो वी इक्वल्स टू आई बाय एक्सी लिखूंगा ना, यही लिखूंगा ना। आया दोस्तों आपको समझ में, ओमेगा सी वी इक्वल्स टू आई एक्सी, यही आई एक्सी ऊपर होगा ना, ये होगा ना समझ में, इसलिए कंफ्यूजन वाले क्रिएशन है बहुत सारा। तो इसमें आई का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, एक्सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 समथिंग समथिंग जो था, इससे आप सबका वो इंडिविजुअल का वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे को यही उम्मीद थी आप सब यही कर सकते हैं। तो अब इसके आगे ये हो गया एक्सएल माइनस एक्सी, ये आर और ये जेड। ठीक है दोस्तों, इस हिस्से को मैं मिटा रहा हूं, आप इंडिविजुअल का वोल्टेज कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो बेस हिस्से के लिए फेज एंगल मतलब कॉस थीटा बोल देता हूँ, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आर बाय जेड निकाल सकता हूँ, आर का वैल्यू मुझे मालूम है, जेड का वैल्यू मुझे मालूम है, इससे कॉस थीटा आ जाएगा, इससे कॉस थीटा आ जाएगा क्या 300 डिवाइड बाय 388.12। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू आएगा 300 डिवाइड बाय 388.12, ये होगा 300, इसका हो जाएगा 0.772, ये कॉस थीटा का वैल्यू है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ आंसर इज इक्वल्स टू 39.37, ये एंगल है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कुछ मेंस के हिसाब से क्वेश्चन भी करा दिया है, आप इसका ध्यान रखेंगे, और अगर ये किसी प्री में पूछने लायक क्वेश्चन होगा तो इसका कोई एक छोटा सा पार्ट आपको देके वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका मेन मकसद ये कि मैंने ये क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करके उसको पूरा एक इंटीग्रेटेड वे में बड़ा क्वेश्चन लेके समझा दिया है। अब आगे ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ठीक है दोस्तों, अपने आते हैं इधर पे। 60 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 80 ओम विद इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 80 ओम टू अ 240 वोल्ट का सप्लाई है। 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू आर और एल से इंडिविजुअल करंट सप्लाई करंट निकालने हैं और फेज एंगल निकालना है। कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। ये एसी का सप्लाई है लिया, ठीक है। ये रजिस्टर लिया, ठीक है। ये इंडक्टर भी ले लिया। ये रजिस्टर और दिखा दीजिए, ये हाँ, ये आर हो गया, ये एक्सएल हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये आई आर का करंट हो जाएगा, ये आई एल का करंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब इसमें फाइंड क्या करना है अपन को? मेन करंट, करंट थ्रू आर एंड एल। आई आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? वी बाय आर, वी बाय आर के लिए क्या करेंगे? वी का वैल्यू कितना दे रखा है? 240 वोल्ट। आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 60 ओम। ये हो जाएगा, निकला 4 एम्पियर, निकला कि निकला। आई एल के लिए क्या करेंगे? 240। एक्सएल का वैल्यू कितना है? 80, है ना। तो कितना हो जाएगा? 240 बाय 80 कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। तो अब मेन करंट क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर, यही होता है ना। जी बिल्कुल, यही होता है। फेजर बना के दिखा दूं क्या? वोल्टेज एक सीधी लाइन में लेना, रेजिस्टर करंट फेजर में लेना, इंडक्टर का करंट लैग करते हुए दिखा देना, आई एल दिखा देना, ये दिखा देना और ये थीटा दिखा देना, हो जाएगा सिंपल। फेजर फेजर तो छुट्टियों में बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कहानी खत्म। इंडिविजुअल करंट तो आर एंड एल, सप्लाई करंट हो गई, ये तीन हो गए, ये दोनों रिपीट गए, ठीक है। हाँ, अब फेज एंगल निकालना। फेज एंगल के लिए क्या करना है? अगर ये आर है और ये क्या हो जाएगा? ये एल वाला कंपोनेंट है, ये एक्सएल वाला कंपोनेंट है और ये जेड वाला कंपोनेंट। एक्चुअल में क्या है? ये जी है, ये क्या है? ये क्या है? बीटा एल है और ये क्या है? वाई है। यही हो सकता है, यही हो सकता है ना दोस्तों। तो क्या लिख सकता हूं मैं? टैन थीटा ले लेता हूं। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्सएल अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लिख सकता हूं गॉस थीटा के टर्म में लिख दूंगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आर अपॉन जेड। बेस कहाँ है? आर, जेड कहाँ है? ये ठीक है, लिख सकता हूँ। आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू कितना है? 80 अपॉन आर का वैल्यू 60 सर, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 60 बाय 80। इधर क्या लिखूंगा? एक्सेल बाय जेड, एक्सेल बोले तो 80 बाय आर, जेड का यार, जेड 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 का वैल्यू निकाला क्या आपने? Z का वैल्यू कैसे निकलेगा? 1 बाय वाई, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ वहां Z नहीं निकल सकता, इसलिए अपन R बाय Z वाला कंपोनेंट नहीं ले पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि R वाला कंपोनेंट नहीं ले पाएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसकी जगह अगर आप इसको लिखते थे cos थीटा इक्वल्स टू किसमें, कौन से वाली टर्म में? G और बीटा वाली टर्म में, तो ये थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता था। R के लिए यहां लिखते थे G और यहां पे क्या, यहां देखेंगे ना अपन आर के लिए क्या लिखेंगे? ये जी और यहाँ के लिख देंगे अपन जी अपॉन कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के लिए वाई, ठीक है दोस्तों। तो जी के लिए लिख देंगे 1 अपॉन आर यहाँ पर, वाई के लिए लिख देंगे 1 अपॉन जेड यहाँ पर, तो जेड बाय आर लिख देंगे। फिर भी जेड नहीं निकलेगा, जेड निकालने के लिए बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा यार। जेड सिंपली रूट आर एल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ आपको थोड़ा सा देखना है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यहाँ जेड ऐसा नहीं है ये, ठीक है। आप क्या करें, तो ये सब चीजें तो हो जाती है फिर। हाँ, तो करंट भी तो दिख रही है, ठीक है, करंट दिख रही है ना। तो टैन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस ऑफ आई एल अपॉन आई आर भी तो लिख सकता हूँ। माइनस कितना? आई एल कितना वैल्यू कितना है? आई एल का 3 एम्पियर, 3 है ना, और आई आर का वैल्यू कितना है? 4। ये तो निकाला है ना, तो 3/4 कितना होता है? माइनस का 0.75, मतलब 0.75 क्या है? पावर फैक्टर है। 0.75 क्या है? पावर फैक्टर है ना, यही बताना चाह रहा है ना। 0.75 क्या बताना चाह रहा है? ये इसका पावर फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप बस इतना ध्यान में रखना है कि, और ये दिखाना क्या चाह रहा है कि V और ये I नेगेटिव में है, माइनस इसका थीटा निकल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ 0.75 से निकल जाएगा थीटा, इससे आएगा जो कि नेगेटिव है इसलिए नीचे आ जाएगा, इससे आपका थीटा भी निकल जाएगा और बाकी सब कंपोनेंट निकल जाएगा। मेरा मकसद जो आर बाय जेड एक्सएल बाय जेड से कंफ्यूज करने का था, ये कुछ नहीं था। इसका मतलब ये कि आप यहाँ जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर डायरेक्टली नहीं लगा सकते,
इससे आगे कोई मकसद नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया है ये वैल्यू, है ना, जिसको अपन लिखते थे ना वन बाय वाई, ये लिखते थे ना अपन आई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई एल। हाँ ठीक है, ये वी बाय जेड होगा, वी बाय जेड मतलब कितना हो जाएगा वाई, है ना, ये क्या वन बाय आर मतलब ये जगह जी प्लस जे बीटा एल होगा। ठीक है, तो इससे निकलेगा वाई, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बीटा एल स्क्वायर, यहां पे निकलेगा वो वाई। ठीक है दोस्तों, ये जी यहाँ पे पुट होगा वन बाय आर का और ये होगा बीटा एल, तो ये वैल्यू वहां पे पुट होके वैसे कैलकुलेशन होता है ना। इन शॉर्ट ये एक्सेल और ये जेड और ये आर, इन सबको आपको लेना ही नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे पैरेलल के केस में। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको इतना तो समझ में आया होगा, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और करा देता हूं, अस्सी की स्क्वायर जी दोस्तों, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, आपको निकालना है करंट, करंट निकालने के लिए क्या निकालना है, वी बाय जेड निकालना है, जेड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सीरीज आर एल है, सीरीज आर एल मतलब आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स एल का स्क्वायर, और ये वी है, वी का वैल्यू कितना है 50। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, एक्स एल का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा एक्स एल मतलब ओमेगा एल, ओमेगा एल मतलब ओमेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी है क्या, यहाँ पर से देखेंगे ओमेगा एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, मतलब ओमेगा का वैल्यू 314 है ना, ये निकालना आ सकता है कि नहीं आपको, है ना। ओमेगा मतलब क्या है, 2πf इक्वल्स टू ओमेगा, मतलब पाई का वैल्यू कितना 2 × 3.14 × 50, इसलिए बन जाता है 314। अगर ये 50 की जगह 100 हो जाता तो 628 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ खास फर्क नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। अब अगली बात, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल का वैल्यू मतलब ओमेगा हो गया 314 इंटू एल का वैल्यू कितना है 20 × 10⁻³। इससे मेरा क्या निकल जाएगा, जेड, जेड निकल जाएगा दोस्तों, इससे मेरा जेड निकल जाएगा कि निकल जाएगा, जी निकल जाएगा। निकाल के देख लेते हैं एक बार, Z का वैल्यू आएगा 8.027। ठीक है दोस्तों, ये आएगा इसका Z का वैल्यू, इस 50 में 8.027 का डिवीजन होगा, जी बिल्कुल होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 56.22, ये इसका आंसर होगा। अब मेरे को बोल दिया है कि करंट ऑप्टेन करंट, पर करंट जो निकालती है वो तो क्या है, ये क्या है, ये इसमें कोई फीस दे रहा था क्या, नहीं दे रहा था, इसका फीस भी तो निकालना पड़ेगा, इस करंट को कुछ तो फीस हो रहा होगा, लैग हो रहा होगा ना, क्योंकि आरएल का सर्किट ही है ये, आर और ये एल है, ये क्या है एक्सएल है, ये क्या है आर है, ये जेड है, ये सब है, ये थीटा निकल सकता है क्या कोई, हाँ निकाल सकता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आर बाय जेड हो जाएगा ना, जेड का वैल्यू कितना है 8.02, जी बिल्कुल, आर का वैल्यू कितना है 5 ओम, 5 / 8.02 कितना आएगा 0.623, ये सर्किट का लैगिंग पावर फैक्टर है, ये तो मेरे को समझ में आ गया,
इसका एंगल कितना हो सकता है ये मेरे को समझ में आ जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ इनवर्स 0.623, ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू आएगा 51.43, ये इस थीटा का वैल्यू रहेगा, यह आप चीज थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, करंट करंट लिखनी है, तो करंट का वैल्यू होगा 6.22 साइन ऑफ 314 टी माइनस 51.43, ये पूरा करंट का वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, है ना। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। और भी तरीके के क्वेश्चन है, अगर प्रीव के लिए हिसाब से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैं लास्ट में एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें ही प्री प्री के क्वेश्चन ही बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, वो प्री के लिए वो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। फिलहाल आप बड़ी 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 छोटी मोटी एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से कंसेप्ट देखते जाइए, ठीक है दोस्तों। आज हम बस इतना ही पढ़ते हैं हम, इसी के लिए मैंने जितने न्यूमेरिकल रिक्वायर्ड थे मैंने बहुत सारे करा दिए, मेंस के हिसाब से प्री के हिसाब से जितने भी थे मैंने करा दिए है, और भी जो बचेंगे मैं आपको लास्ट वाला वीडियो जो अपना क्वेश्चन के लिए डेडिकेटेड रहेगा उसमें ही कराएंगे, ठीक है। और उसमें तो सभी कराएंगे, सारी टॉपिक्स कवर करके मैं करवाऊंगा, ठीक है। अगला टॉपिक जो रहेगा वो रेजोनेंस रहेगा, ठीक है, आप उसके लिए इंतजार करिए, मैं वो रेजोनेंस उसके फिर क्वेश्चन रिलेटेड करके इस नेटवर्क को पूरा वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।